कश्मीर से जाने के बाद पहला चुनाव और उसमें बीजेपी जश्न मना रही है। रविंदर जी कैसा लग रहा है बीजेपी की धारा 370 जाने के बाद पहले चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं आज आप जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में कोने कोने में कमल का फूल खिला है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कश्मीर के अंदर भी पहली बार कमल का फूल खिला है। कमल के फूल के निशान पर मैंडेट लेकर हमारे उम्मीदवार जो लड़े वो जीत के आए और 30 के करीब कश्मीर में जो इंडिपेंडेंस जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते हैं। गुप्कार गैंग जिसको आप बोलते हैं उनकी भी सीटें जो हैं अच्छी आ रही हैं और बीजेपी से ऊपर हैं। क्या दस पार्टियों ने मिलकर गुप्कार गठबंधन किया था जिसमें NC कांग्रेस PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस जहां CPI CPIM हाकिम यासीन की पार्टी कश्मीर की 10-10 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गठबंधन बनाया था लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकार के भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के समर्थक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिताया है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं। यह लोकतंत्र की जीत है, यह जम्मू कश्मीर की आवाम की डोडा किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी में वैसे रिजल्ट नहीं आए जैसे आने चाहिए थे, क्या लगता है? डोडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम से वहां चेयरमैन बना रही है। किश्तवाड़ के अंदर भी हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर वहां चेयरमैन बनाएंगे। इसी प्रकार राजौरी हो या रामबन हो वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अग्रसर हो रही है। इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं उसका क्या कारण है? क्या बीजेपी की मुकाबला जो है इंडिपेंडेंट लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता जो चाहे वो करती है। जनता ने जिसको जिताया है वो विजयी है। कितने चेयरमैन बीजेपी के बनेंगे? तकरीबन जम्मू संभाग के 8 से 9 जो जिले हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं और वहीं कश्मीर घाटी में भी इंडिपेंडेंस के सहयोग से वहां भी कुछ जिलों में सरकार बनेगी। बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था ये चुनाव, आपको लगता है बीजेपी सफल हुई है इसमें? बम्पर वोटों के साथ बीजेपी ने इन चुनावों में फर्स्ट पोजीशन हासिल। उम्मीद है विधानसभा चुनाव हो जाएंगे? विधानसभा चुनाव कब हो जाएंगे? अभी बहुत दूर है, अभी तो इन चुनावों को पहले इन जीते हुए उम्मीदवारों को काम करने दीजिए। 70 साल विधानसभाएं थी लेकिन जिला परिषद ब्लॉक समितियां नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराए हैं। हम मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को पंचायती राज एक्ट पूरे देश का यहां लागू करके जो उपहार दिया और जिसके कारण आज पूरे जम्मू कश्मीर में दिवाली और ईद इकट्ठी बनाई जा रही है। ये थे रविंदर रैना, बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष। आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी नाच गाकर जश्न मना रही है। हालांकि अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं बट जितने रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी नंबर 2 पर है। ऐसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू में इसका जश्न मना रहे हैं।